जैन गुड इवनिंग नमस्कार। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, हिंदी इज़ ओके इंग्लिश इज़ ओके आई थिंक मैक्स नॉट ओके, माफ़ी चाहूँगा डिले के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बाद जो सीजर्स हैं सामान के वो भी देखना ज़रूरी है, वो आने में थोड़ा वक्त लग रहा था, बट वील फिनिश बाय द टाइम दे रीच। वेलकम सबको करना चाहूँगा मैं, आप लोग ने वक्त निकाला यहाँ पर और इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को कवर करने के लिए आए हैं। ये जो हमारा ऑपरेशन था इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन आसन, क्योंकि जिस इलाके में ये कंडक्ट हुआ था, ये कल सवेरे करीब 7:20 पे शुरू हुआ था और ये पिछले बीते हुए कुछ दिनों का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बहुत ही क्लीन ऑपरेशन है, जिसमें हमने 3 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, न्यूट्रलाइज किया है और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई और ये ऑपरेशन एक रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। इसके लिए मैं सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और JKP और हमारी जितनी एजेंसीज हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नमूना था कोऑर्डिनेशन का ऑपरेशन जिस तरह से किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल था हमारे आवाम का, क्योंकि अखनूर के इलाके में जिस तरह से हमारा उनके साथ में रिलेशनशिप है, हमको तुरंत खबर आती है अगर कोई बाहर से आता है या किसी ऐसे इरादे से आता है कोई गलत काम करने के, तो हमको तुरंत खबर आती है। और ये जब डिटेक्ट हुए थे लोग उस इलाके में तो गांव के तरफ से हमको तुरंत खबर आ गई थी, इसीलिए जो रिएक्शन था वो बहुत जल्दी हुआ। इस दौरान उन्होंने कोशिश करी, वो जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस नहीं हो पाया उनका, लेकिन कोशिश करी कि वो हमारे कॉन्वॉय पे कुछ फायर करेंगे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स और QRT की सूझबूझ से कोई नुकसान नहीं हुआ और तुरंत QRT ने तैनात होकर इनको अपने उसी इलाके में पिन डाउन कर दिया और वहाँ से हिल नहीं पाए। ये टेररिस्ट जिस तरह से आर्म थे उससे हमको यकीन है कि ये आए थे कोई बड़ा काम करने, और पिछले कुछ दिनों से ये लगातार खबर आ रही थी और इन्होंने कई जगह ट्वीट भी किया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, इसलिए हमारे लोग तैयार थे, सारी एजेंसीज़ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी, इंटेलिजेंसीज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सब काम कर रहे थे और उनको खबर लगातार आ रही थी। जब हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से JKP का वहाँ पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का, हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज़ करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफ़ी खबरें घूम रही थीं कि आर्मी ने जो है BMP चढ़ा दिया, इस तरह की चीज़ें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूँगा कि वो इलाका ऐसा था जहाँ पर काफ़ी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था, तो जब हमने वहाँ पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के, तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया है वहाँ पहुँचने के लिए। और हम पूरी इज्जत देते हैं किसी के भी पार्थिव शरीर को और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा जो एक सोल्जर को करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स थे आपके लिए, अगर कोई इस ऑपरेशन से संबंधित सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।